हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक नॉर्मल ऑयल टिन का डेकोरेशन जो कि काम आने वाला है मंडप के डेकोरेशन के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे एक गिफ्ट पैकिंग वाला रैपर लगा दूँगी। इसको हमें उसी तरह से पैक करना है जिस तरह से हम किसी गिफ्ट को पैक करते हैं, और पेपर भी मैंने वही वाला यूज़ किया है इसको। लेकिन कोई भी आप काम करते हैं तो प्लीज़ उसको फिनिशिंग के साथ करें तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इसको टैप की हेल्प से या फिर कोई भी ग्लू की हेल्प से आप अच्छे से स्टिक कर लें और इसको पूरी तरीके से कवर कर लें। इसको पहले हम साइड से कवर कर रहे हैं, उसके बाद जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पेपर रहेगा उसको आगे की साइड से और पीछे की साइड से भी हम फोल्ड करेंगे। तो इसमें मैंने दो पेपर ज्वाइन किए हैं, एक पेपर मैंने लगा दिया, अब ये सेकंड पेपर को मैं उसके अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। इसको भी हम फिनिशिंग के साथ में टैप से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरा पेपर अच्छी तरीके से रैप हो गया है। कुछ इस तरह से मैंने इसको पूरा पैक कर दिया है। अब ये थोड़ा सा पीछे के साइड से बचा हुआ है, इसको भी हम टैप की हेल्प से रब कर देंगे। टैप को अच्छे से फिक्स कर लें ताकि ये बाद में खुले नहीं। एक गिफ्ट की तरह इसे हमें पैक करना है। इसको अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे और टैप कर देंगे। ये देखिए, हमें यहाँ पर कोई कटिंग नहीं करनी है, बस इसको दबाते जाना है, फोल्ड करते जाना है और टैप करते जाना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। रैप करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर ये एक पेपर लिया है, ये नॉर्मली पेपर है, इसकी स्ट्रिप मैंने कट कर ली है, अराउंड 1.5 इंचज़ की है। इसको किसी भी ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर हम स्टिक कर लेंगे, क्योंकि ये सिल्वर में रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा दिखाई देगा। ये देखिए, हम इसको बिल्कुल बॉर्डर पे लगा देंगे इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पर इसको स्टिक किया है, सेम वही ग्लू की हेल्प से यही वाली रेड पट्टी को नीचे की साइड में स्टिक कर देंगे। ये देखिए, इसको मैंने नीचे भी स्टिक कर दिया और ऊपर भी स्टिक कर दिया है। दोनों साइड पट्टी स्टिक करने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा दिखने लग गया है। अब मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सी लेस ले ली है जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी आपको, और इसको रेड पट्टी जो ऊपर वाली है उसके साथ में फिक्स कर दिया है। ये देखिए, बहुत ही इजीली फिक्स हो जाती है। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यही वाले रेड वाले पेपर की स्ट्रिप्स कट कर ली हैं जो कि लीफ स्टाइल में हैं। इनको मैं ग्लू की हेल्प से सेंटर में फ्लावर शेप में चिपका दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक फ्लावर बना दिया है।
इससे इसका लुक और भी अच्छा दिखने लगेगा। और सेंटर में एक मिरर लगा देंगे, ये अब ये इस तरह से लगेगा। यही मैंने तीनों साइड भी कर लिया है। इस तरह से मैंने 5 टिन तैयार किए हैं।